हेलो गाइस, आर एस एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑन माय चैनल। और गाइस, आज का वीडियो में काफ़ी मजा आने वाला है क्योंकि आज हम लोग करने जा रहे हैं अपना 4 साल पुराने फोन पे BGMI टेस्ट। तो भाई काफी मजा आने वाला है वीडियो में, वीडियो तक जरूर देखना भाई। मजा आया तो यार जरूर से आपको पता ही है लाइक मारना है, और चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब कर दो, मैं ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ अपने चैनल पे। और गाइस सबसे पहले आपको अपना फोन दिखा देता हूँ, ये है Redmi Note 9 Pro और ये है 2020 वाला वर्जन। आपको इसका पूरा स्पेक्स भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे जाते हैं सेटिंग में। और गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने FPS मीटर भी ऑन कर दिया है ताकि हम लोग BGMI टेस्ट में प्रॉपर देखें कि भाई ये 4 साल पुराना डिवाइस कितना FPS दे रहा है भाई BGMI में। यहाँ पर गए आप लोग देख सकते हो 64GB वाला स्टोरेज वाला अपना हैंडसेट है और 4GB रैम। तो भाई फटाफट से अभी BGMI ऑन करके देखते कि भाई BGMI में इसका कैसा परफॉर्मेंस रहने वाला है। यहाँ पे आपने दबा दिया BGMI पे और यहाँ पे और अपना गेम ऑन और ऊपर है अपना FPS मीटर। गाइस आप लोगों को क्या लगता है कैसा परफॉर्म कर रहा है भाई कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि भाई आपको पता है कि ये Redmi Note 9 Pro है 2020 वाला वर्जन और भाई ये हैंडसेट को प्रॉपर 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और जब ये हैंडसेट आता था तभी ब्रांड न्यू तभी से ही 40 FPS ही इस पे चलता था जो कि स्मूथ और अल्ट्रा पे, और उसके बाद वाला सेटिंग तो और खराब हो जाता है गेम प्ले। तो भाई 40 FPS से ही आया था, हम लोग भाई वो टाइम पे GFX 2 सब लगा के इसको बूस्ट करके 60 FPS तक निकालते थे भाई इसमें, लेकिन अभी वो सब सिस्टम नहीं है। GFX 2 लगाओगे तो भाई अभी बैन मिल जाता है, एकदम स्ट्रिक्ट हो गया BGMI, तो भाई वो GFX 2 वाली चीज नहीं करेंगे। देखें कि भाई कितना रॉ BGMI चलेंगे तो भाई कितना FPS दे पा रहा है आज के डेट में, लेट्स चेक आउट। जहां पर भाई आजकल फोन्स दे रहे 60 FPS, काफी 90 FPS भी दे रहे, और भाई Infinix GT20 Pro आपको पता ही है अपना 120 FPS भी दे रहे। तो भाई देखते ये फोन किधर स्टैंड करता है, आपको सबसे पहले सेटिंग दिखा देता हूं 2024 में क्या सेटिंग दे रहा है भाई अपना फोन। ये भाई स्मूथ प्लस अल्ट्रा जैसे मैंने आपको बताया था, बैलेंस पे भी अल्ट्रा और HD पे हाई, HDR आई डोंट थिंक सपोर्ट कर रहा है, यस। तो भाई स्मूथ पे अल्ट्रा है, और भाई वो टाइम में ना हम लोग GFX 2 लगा के मस्त हम लोग 60 FPS खेलते थे, और वो भी भाई कुछ टाइम के लिए चलता था, फिर एक डेढ़ दो साल बाद ये भाई फोन बैठ गया, इतना लैग होता था। अभी गाइस ये फोन को हमने मतलब साइड में रखा है और बाकी दो फोन हम यूज कर रहे हैं, आईफोन और अपना Infinix G20 Pro। तो भाई ये फोन को प्रॉपर फॉर्मेट करके MTA फोन और इसमें ओनली BGMI डाला, तो भाई देखते अभी परफॉर्मेंस कैसा रहता है यार MT फोन में। सबसे पहले गए TDM लगाते हैं, देखते हैं कि TDM में कैसा परफॉर्म करता है, फिर ही आगे चलते हैं। अभी आप लोग ऊपर FPS देख सकते हो 36, 39, 35, भाई अभी तक गेम भी शुरू नहीं हुआ 40 FPS के नीचे आ गया यार। और भाई ये फोन पे ना ऐसा कोई भी लोड नहीं है, पूरा एम्प्टी फोन है, आपको दिखाई दिया था 30GB फुल है और बाकी सब फ्री है, उसमें 20GB तो सिस्टम का रहता है और 9-10GB का तो गेम ही रहता है। यहाँ पे गए एक गन ले लेते, वेक्टर ले लेते, लेट्स सी गाइस। अभी तक गए इसका स्पीकर ना प्रॉपर है, आप लोग आवाज़ सुन सकते हो, प्रॉपर आवाज़ आ रहा है गेम का एकदम लाउड। आप लोग गाइस ऊपर FPS भी देखते रहे ना भाई, क्या हैंग हो जाता है फोन, एकदम ही रुक जाता है फोन यार बंदों के सामने, एक को मारा भाई एकदम चिपक गया, आप लोग देख ही सकते हो भाई 39 FPS दे रहे हैं अभी। नहीं सेकंड वाले को नहीं ले पाए गाइस, नॉट बैड, थोड़ा ओके ओके टाइप का परफॉर्मेंस दे रहा है। आप लोग ऊपर FPS भी देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग अभी अच्छे से देख पाओगे 38 FPS आ रहा है, 40 FPS। भाई इसको मार दिया हमने, आई थिंक गाइज मेरे को आदत है आईफोन का और प्लस Infinix GT20 Pro का, एक्चुअली 90 FPS तो भाई मैं खेलता हूँ, तो आई थिंक उसी वजह से जम ही नहीं रहा है यार इसमें। गया आप लोग FPS देख सकते हो क्या चिपक रहा है, FPS 33 चला गया FPS। एक को मार दिया कैसे भी, और भाई क्या चिपक रहा है 29 FPS, 28 FPS चला गया था। गाइज ये फोन ना गाइज 2024 में ना BGMI के लिए तो भाई बिल्कुल भी मत लेना है फोन, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ। लेकिन अगर आपके पास फोन पड़ा है और कैजुअल गेमिंग करते हो तो ठीक है, लेकिन भाई ये फोन इसका हो गया टाइम, और भाई वो टाइम में ना बहुत अच्छा प्रोसेसर था 720G, तो भाई ये 720G के साथ आता था प्रोसेसर। गाइज मेरे को लग रहा है FPS का ही गेम है पूरा, उसके वजह से ही हम लोग एकदम मर जाते हैं, वरना भाई उसको और गोली कनेक्ट हो जाती। नहीं गैस बहुत मुश्किल है, 113 डैमेज बहुत मुश्किल है गैस, इसको लेके ना हम लोग क्लासिक खेल ही नहीं पाएंगे, इतना चिपक रहा है यार गेम, बहुत ज़्यादा चिपक रहा है, अभी तक तो हीट भी नहीं हुआ है फ़ोन। यहाँ पे ले लिया दोनों को भाई, 3 लोग को ले लिया, ये फ़ोन के हिसाब से काफ़ी सही खेल रहे हम लोग, कोई सीन नहीं है।
उसको मार पाया मैं मुश्किल से डॉज करके भाई, वरना इसमें तो भाई इम्पॉसिबल है यार मारना। आप लोग ऊपर FPS ही देख सकते हो भाई, क्या FPS आ रहा है यार। इसको भी दे दिया, एक और को दे दिया, नहीं तो यार हम लोग ने लीड ले लिया वापस। यहां से घुसना पड़ेगा, नहीं हम लोग जीतने वाले गए। देखते हैं कि हम लोग जीत पाते क्या ये फोन के साथ, भाई बहुत बड़ी चीज हो जाएगी ये फोन क्या जीत गए तो। भाई बेसिक तो हम मार पा रहे हैं यार बंदों को, भाई इसमें पीक वीक तो अभी तक सही चल रहा है। यार आप लोग देख ही सकते हो हम लोग जीत गए TDM, और हमारा किल्स देखते हैं, हम लोग ने सबसे ज्यादा किल मारा है जो कि 14 किल्स। सो भाई ये फोन के साथ तो भाई आप लोग बिल्कुल भी यार बीजे हुए मत खेलना अपने दोस्त लोग के साथ, बहुत गाली खाओगे, लैग के वजह से आप मरोगे लेकिन उनको लगे बहाना है। और इसमें भाई मैंने देखा कि एम करते हुए पीक करते हुए जब मैं छोड़ता हूँ ना, काफी बार यार पीक रह जाता है फिर एम रह जाता है, तो भाई इसमें काफी डिले भी हो रहा है। आई थिंक इसमें थोड़ा टच का भी ये है, वो टाइम के हिसाब से तो काफी बढ़ जाता है लेकिन अभी काफी फील होता है क्योंकि मैं आईफोन से इसमें शिफ्ट हो रहा हूँ ना, और या फिर इन्फिनिक्स से इसमें शिफ्ट हो रहा हूँ। 90 FPS, एक तो FPS वाला बहुत मेरे को इशू आ रहा है इसमें, और प्लस गाइस जो टच में कर रहा हूँ ना वो बहुत टाइम बाद मेरे को रिस्पॉन्स निकाल रहा है, तो भाई उसके वजह से भी काफी बार मरा। तो भाई ये फोन के साथ आप लोग दोस्तों के बिल्कुल मत खेलना, आप लोग स्क्वाड से किक भी कर देंगे, गाली भी अलग से मिलेगी। तो भाई यही था भाई आज का BGMI टेस्ट अपना पुराने 4 साल पुराने Redmi Note 9 Pro पे। तो भाई बात करें तो यार दम तो है भाई ये फोन में, वो टाइम में 720G स्नैपड्रैगन प्रोसेसर आता था और भाई काफी ट्रेंड में था फोन, ये फोन काफी बिका है गाइस और काफी मस्त भी चला है, इसलिए मैंने भी लिया था, काफी मजा आया था ये फोन के साथ। अभी गाइस ये फोन का अभी एंड अभी तक टाइम आ गया है, 2024 में भी कोई यूज कर रहा है तो भाई मुझे बता देना यार कमेंट्स में, काफी मजा आता है यार आपका कमेंट्स भी पढ़ के। तो यही था गाइस आज के वीडियो के लिए, मिलते गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।